नेक्स्ट पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो क्या करेंगे हम, अगेन जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में करा था, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में, फीचर्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर फॉर्मेट पे आएंगे. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फीचर के साथ साथ ही मैं आपको थोड़ा बहुत उससे रिलेट करके दिखाऊंगा, डिफरेंशिएट साथ साथ ही करेंगे, अलग से भी करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो एक साथ दो क्वेश्चंस टैकल करेंगे. नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स का था रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट. आपसे पूछ के मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Hence, expenses and losses for the year are transferred to the debit side, while gains for the year are transferred to the credit side of income and expenditure. Receipts and payments, cash basis, income and expenditure, accrual basis. Next, basis of accounting, receipts and payments, cash basis, income and expenditure, accrual basis. Incomes, expenses, losses of revenue nature are shown in the account on accrual basis of accounting. Accrual basis kya kehta tha? Revenue and expenses are recorded in the period in which they become due, rather than when they are received or paid. Jis period mein wo due ho gaye, jis period se wo relate karte hain, us period mein wo दिखा दिए जाएंगे. जब पैसे मिले या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. A transaction is recorded when it takes place and not when the settlement takes place. So income and expenditure is prepared on accrual basis. Next, accounting period. Those incomes, expenses and losses which relate to the current accounting period, whether paid or not, are shown in the account. Receipts and payments, transaction may relate to any period. But condition kya honi chahiye? Us period mein receive hui, to receipts mein aayegi. Us period mein pay hui, to payments mein aayegi. Income and expenditure, the transactions must relate to the current period only. Kyunki hum accrual basis pe bana rahe. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ना कैश बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट. तो यहाँ पे कोई उसका कैश एंड बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता. इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, इट्स बैलेंस एट द एंड. ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, रिसीट्स एंड पेमेंट्स का होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और बैंक. इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट्स पे आपने इनकम दिखाई, डेबिट्स पे एक्सपेंसेस दिखाए, फिर नेट रिजल्ट. अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस होगा, सरप्लस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड. यहाँ पे कैपिटल नहीं होता, कैपिटल फंड होता है. एंड अगर नेट लॉस जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता था, यहाँ पे होता है डेफिसिट. डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड. वहां पे हम नेट लॉस क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे, यहाँ कैपिटल की जगह कैपिटल फंड. इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस. The closing balance, its balance at the end is either surplus or deficit. Surplus, excess of income over expenditure. Deficit, excess of expenditure over income. It is transferred to the capital fund in the balance sheet. Adjustments, receipts and payments mein no adjustment for outstanding, prepaid, accrued, unearned, depreciation. No such adjustments were made in receipts and payments. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये सब एडजस्टमेंट करते हैं. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस एंड देयरफॉर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डाउटफुल डेट्स, ऑल दीज एडजस्टमेंट्स आर फॉर्मेट. अब पहले फीचर्स समझ आ गए, आगे बढ़ेंगे हम. फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसा होता है, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं. मैं फिर से समझा रहा हूँ, आइटम वाइज याद नहीं करना. आइटम तो जो आएंगे वो प्लेस करने आने चाहिए ना. तो एक बार आपको फॉर्मेट समझ आएगा तो प्लेस करना इजी होगा.
याद नहीं करने की कौन से आइटम्स आते हैं, नो अंडरस्टैंड करने कौन से किस टाइप के आइटम्स डेबिट साइड पे आते हैं, किस टाइप के आइटम्स क्रेडिट साइड पे आते हैं, अंडरस्टैंड करने। क्या बना रहा हूं मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं और हेडिंग क्या होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेडिंग क्या होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग डेबिट साइड। अब आपको क्या बताया, इसका नेचर क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या नेचर है इसका, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे डेबिट साइड पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, अमाउंट इन रुपीज। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, इनकम। ये ध्यान रखना, काफी स्टूडेंट्स इसी में ही गलती कर देते हैं, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, रिसीट्स, जो पैसा आपने रिसीव करा। क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है, पेमेंट्स। भाई वो रियल अकाउंट है, उसका नेचर ही अलग है, वहाँ रूल्स ही अलग होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका नेचर अलग है। दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट साइड पे आते हैं एक्सपेंडिचर, जो खर्चे हैं आपके, ऑपोजिट हो गया ना, नेचर अलग है, रूल्स अलग है। अब एक्सपेंडिचर साइड पे क्या आएगा, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या था, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या है, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, और ओनली रेवेन्यू रिसीट्स ऑन द इनकम साइड। तो आगे जाके आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही क्या होने वाला है, आपके पास बहुत सारे आइटम्स होंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, क्योंकि जो जो रेवेन्यू आइटम्स हैं सिर्फ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट में चले जाएंगे, रिसीट्स में तो सारे ही हैं। तो आइडेंटिफाई करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा। क्लोज कैसे करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, अगर आपके इनकम ज्यादा है, क्रेडिट आइटम ज्यादा है, तो नेट रिजल्ट क्या आता है, सरप्लस। नेट रिजल्ट क्या आता है, सरप्लस। ध्यान से देखेंगे, क्लोज कैसे करते थे, होता ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्लोज कैसे करते थे, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट होता था, यहाँ पे आता है टू सरप्लस। क्या लिखते हैं ब्रैकेट्स में, अगर सरप्लस है तो लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर डेबिट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ग्रॉस नेट लॉस होता था, यहाँ पे होता है डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डेफिसिट, वो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाई किस लिए रहे हैं, टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, इफ इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। डेफिसिट कब होगा, इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। तो अक्रूअल बेसिस की वजह से क्या होता है, ट्रांजैक्शंस रिलेट टू करेंट पीरियड ओनली, ट्रांजैक्शंस रिलेट टू करेंट पीरियड ओनली, मतलब इसमें सिर्फ करेंट पीरियड ट्रांजैक्शंस आएंगी। तो अगर पिछले साल की कोई इनकम आ भी गई है, कह रहे माइनस करो, आप नहीं दिखा सकते यहाँ पे। अगले साल की कोई आ गई है, कह रहे यहाँ नहीं दिखा सकते इस अकाउंट में, क्योंकि अक्रूअल बेसिस पे है, तो ट्रांजैक्शंस मस्ट रिलेट
करेंट पीरियड ओनली। क्या करा हमने, ये फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, रीड करेंगे फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया, आपको ये आइटम्स वाइटम्स अभी देखने की भी जरूरत नहीं है, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे, क्या फायदा। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपको समरी बताई है कि रेवेन्यू आइटम्स क्या है, कैपिटल आइटम्स क्या है। तो रेवेन्यू आइटम्स आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बस इतना रीड करेंगे। फिर मैं आपको अभी करूंगा डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ दिस चैप्टर। रीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर।